हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक और नए दिन के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम ऑन द वे हैं, हम जा रहे हैं जरा क्रिकेट ग्राउंड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस दिनों क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, क्या करें, छुट्टियों का दिन है, छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में यही काम है, टूर्नामेंट हो रहा है, बड़ा बेनिफिट है, बड़ा मजा है। और सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। और चैनल सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना यार, तो चैनल सब्सक्राइब करके और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा के वीडियो को लाइक और कमेंट लास्ट में किया करें यार, आपके प्यार का हमें पता चलता है, आपकी वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही कमेंट करते रहा करें। और जय दादा, अभी आप कहाँ जा रहे? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। तो इस वजह से भले ये नहीं समझना की मेरी बेइज्जती हो गई है, वैसे भी झूठ बोल रहा है, बात नहीं करनी चाहिए, ये मेरे से गलती है, मैंने इनका कैमरा किया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, वो मैं आपको पहुंचने में। गाइस अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड में, ग्राउंड का आप व्यू चेक कर सकते हैं। और हैरी भाई कैसे? ठीक ठाक भाई, मेरी खैरियत तो आप जान चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और आज का ये व्लॉग बड़ा एक्साइटेड और मजेदार होने वाला है, तो आप हमारे साथ रहे, आपको हम दिखाते हैं कि आज ये इधर क्या है। अभी धूप बहुत ज्यादा हो रही है, हम लोग जा रहे हैं उधर छांव में बैठने, छांव में बैठते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि आगे रंग काला हो गया कल से। हाँ ना यार, कसम से यार, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं यूट्यूब वालों को, ये रंग काला हो गया भाई। हम जा रहे हैं उधर बैठने, उधर सुकून से बैठ के अभी थोड़ी देर बैठेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अभी तो चले ठीक है, आगे आपको दिखा। गाइस जैसा की आप देख सकते हैं की अभी हम यहाँ पे मौजूद है और मुझे मिले हैं मेरे चाची जी हैं, और इस टूर्नामेंट में बहुत टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सीनियर प्लेयर भी हैं, और हम इनसे जानते हैं कि ये टूर्नामेंट की क्या हिस्ट्री है और क्या लेगेसी है जो हमारा इलाका लेके चल रहा है, और कितना टाइम हो गया उसको पूछते हुए हम चाहते हैं। आप सबको सलाम, आपको बताते चले कि ये टूर्नामेंट हम पिछले 20 साल से करवा रहे हैं, और ये टूर्नामेंट पर जो है हर साल 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। इससे पहले 8 टीमें हुआ करती थी, उससे पहले 6 टीमें भी रही हैं इस टूर्नामेंट में। तो वक्त के साथ लोगों में जैसे जैसे शौर आए, नए बच्चों ने भी इस चीज़ में हिस्सा लेना शुरू किया, तो ये हमारी 10 टीमें हो गई। पिछले तकरीबन 12-15 साल से 10 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, और इस साल भी 10 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, और हमारी कोशिश होगी कि हम मज़ीद इस टूर्नामेंट को अच्छा करें। हमारा जो ये टूर्नामेंट है ये तकरीबन पिछले 30 साल से, और तुरंगी 3.5 ही की ये टीमें होती हैं, और तमाम खिलाड़ी जो हैं 3.5 के होते हैं, मुख्तलिफ टीमों के नाम हैं, जैसे कुछ लोग साउथ अफ्रीका के हैं, वेस्ट इंडीज की टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है, पाकिस्तान की टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यू स्टार है, और इस तरह बाकी टीमें भी हैं। तो आप बताते चले कि ये हमारा टूर्नामेंट जो कि काफ़ी अच्छे से खेला जा रहा है, इसमें हमारे बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी सुहेल भाई थे, अंकित तैतरी और तखार भाई थे, इसके अलावा सेलम अपने गुलफार भाई थे, हमारे काफ़ी सीनियर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेले हैं, नसीर भाई खेलते हैं, राशिद भाई हैं, इसके अलावा शकील भाई, आसिफ भाई, एडो भाई, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं हमारे, और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं हम दोबारा से इस टूर्नामेंट को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि हमारे तमाम जो सीनियर खिलाड़ी हैं हम उनको इज्जत दें, क्योंकि अभी जो नए लड़के हैं थोड़ा सा है उनमें, नए लड़कों को हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को खुदावन चाह तो मजीद बेहतर करेंगे, और उम्मीद है कि टूर्नामेंट बेहतरी की तरफ जाएगा। जैसे कि हर साल हम अपने एरिया तुरंगी नंबर 3.5 पीदा ग्राउंड में खेलते थे, तो इस दफा वहाँ ग्राउंड हमें नहीं मिला, तो इसलिए हम इस वक्त ये टूर्नामेंट नसीन हमीद के ग्राउंड में खेल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली खवातीन है जिसने यानी कि अपना नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इसके अलावा आपको बताते चले कि हमारी कोशिश होगी कि अंडा इस टूर्नामेंट को मजीद बेहतर करें, इस तरह ग्रासी पॉइंट में करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और ये जो है एक बड़ा अच्छा जेस्चर है नौजवानों के लिए, आजकल जैसे जदीद सोशल मीडिया का दौर है तो नौजवान बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आजकल के नौजवान कई नशों में भी लगे हुए हैं, तो
जो है आजकल का खराब माहौल के हवाले से आप यूथ को क्या मैसेज देंगे स्पोर्ट्स के हवाले? मैं यूथ से यही कहूंगा कि नशे जैसी लानत से बचे रहें, स्पोर्ट्स को अपनाएं, ताकि स्पोर्ट्स को जब बंदा स्पोर्ट्स मैन होता है तो वो नशों से दूर रहता है, क्योंकि उसका जहन अपने गेम की तरफ होता है। हाँ, वो मैच क्रिकेट मैच खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, कुछ भी खेले, लेकिन हमें नशों से दूर रहने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स को अपनाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने लोगों से, नौजवानों से ये पैगाम दूंगा कि भाई नशे से नफरत करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, क्योंकि यीशु ने आपके लिए जान दिया, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। यह ज़िंदगी जो है बार बार नहीं मिलती, और नशे जैसी लानत को जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चाचू। और गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर्स में से जो सबसे पहले नाम लिया गया सोहेल भाई का, और वो है हमारे जैरी भाई के अबू हैं, वो जैरी भाई के फादर हैं, और हम आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाएंगे। और वो जैरी भाई के फादर्स हैं, तो उनकी अभी डेथ हो चुकी है, तो वो हमारे इलाके के सबसे सीनियर और मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, तो सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको लाला लाला कहते थे। तो वो हमारे जैरी भाई के फादर हैं, तो सबसे पहले क्रिकेट का हमारे इलाके में जब भी नाम आता है तो सबसे ऊपर हमारे जारी भाई के फादर का नाम आता है। ये शॉट करवा दी, अगर ये शॉट और आप यहाँ आ गए प्लीज, आपकी याद आ रही है हमें, ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं होता है, ऐसा पार्ट और गलत पे गए होगा, इससे गुजारिश है कि कंट्री बॉक्स में आ जाए। पावरफुल शॉट नहीं थी, अब ये शायद सामना करेंगे मून का। भाई आ चुके हैं डेविड भाई, लोग एक मैच हार चुके हैं और दो जीत चुके हैं, तक का मतलब कि ये अंडे भी आउट हुए आज। ये हमारे लिशा भाई है जिनकी हम बात करते हैं। लिशा भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं गाइस? ये हमारा चुप्पा है, बंदर डैन कर लो ये हमारा पीना है, सॉरी ये पीने के नाम पर आप सब पीना। अब एक बात बताऊं, पीना इनके घर वालों को पसंद नहीं था, और भाई आज हम स्कूल टाइम के बाद काफी टाइम के बाद मिले हैं, हमारी ये मस्ती चलती रहती है ऐसे ही, तो जो है हम इससे ज्यादा मस्ती करते हैं, ये तो कोई मस्ती नहीं है, तो हम ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे और आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग। गाइस यही था आज का दिन, और आज के दिन को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और आज का दिन बड़ा जो है मजा तो आया, लेकिन ये है कि आज बहुत थके हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये हमारी जानिब से ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो हमने इसका पूरा अरेंजमेंट भी किया है, पूरी इसकी मोनेटाइजिंग की है, मॉनिटरिंग की है, पूरे अरेंजमेंट किए हैं, तो इस वजह से थक गए हैं। तो हम सब साथ मिलकर, ये मून भाई डेविड ये देखेंगे कैसी थकी थकी शक्लें लेके बैठे हुए, तो आज के भी लोग को यहीं पे खत्म करते हैं, आपको मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ।